आ जाओ बेटा, आ जाओ, कोई बात नहीं, आराम से आओ, आराम से आ जाओ, पहनो, आ जाओ, घूम जाओ। ये किस चीज का है बीबी? ये किस चीज का पूछे इसे, यहाँ कौन है? बस, क्या जबरदस्ती रखा हुआ था आपको यहाँ? कहाँ से लेके आए आपको? पंजाब से लेके आए। किस तरह से आई यहाँ, कैसे पहुंची आप? सही हमोल से बताएं, बात बताएंगे तो कुछ समझ में आएगा, वरना कुछ नहीं होता, कोई मसला नहीं, हम खड़े हैं अब आपके साथ। पहले भी यहाँ पर रेड हुई थी, ये मेरी मासूम सी बच्ची नहीं है, इन्होंने ये मुझसे लिखवाई थी, अगर तू यहाँ से मना नहीं करेगी कि मेरा इसके वो नहीं है, हम इसको मार देंगे। मैंने फिर झूठ बोला कि मैं काम पे नहीं हूँ, फिर मेरी बच्ची इन्होंने मुझे दी, फिर ज़बरदस्ती इन्होंने मेरा निकाह करवाया, उसके बाद इन्होंने मेरी बच्ची मुझसे छीन ली। इस औरत ने वो तजलील बर्दाश्त की, इस पर ऐसा ऐसा जुल्म ढाया गया, ऐसी हैवानियत, दरिंदगी और बर्बरियत से जिनसी तशद्दुद किया गया कि खुदा की कसम, अगर इससे होने वाली गुफ्तगू के कुछ नाकाबिले नशर हिस्से चला दिए जाते तो आप में से बहुत से लोग आज की रात सो ना पाते। और ये आप तशद्दुद करते थे? जी, ये देख, मैं हम दिखा नहीं सकते लेकिन निशानात हैं, उधर भी हैं सर डंडे। अच्छा, ये डंडे किस लिए रखे हैं इन लोगों ने? हाँ, ये मारने ही की वजह से है। यहाँ पे मैं नहीं आई थी और एक अचानक मुझसे वॉशरूम साफ नहीं हुआ था, उसकी वजह से इन्होंने मेरे को करके मेरे जिस्म के ऊपर सिगरेट लगाए थे, भले आप किसी लेडीज को भेजें, मैं अपना जिस्म दिखा देती हूँ। किस सिगरेटों से दागा गया था? इनके पूरे घर के आदमियों ने मारा, और ये जब बोलती थी इनको चुप करवा दिया जाता था, और ये खुद भी मारती थी, मैं चीखती थी, तड़पती थी। मैंने बोला मैं ये सब नहीं सह सकती, नहीं तुम लोग ऐसा करो, पर इनमें से किसी ने मेरी कोई बात नहीं मानी। इस इंतहाई गलीज माहौल में परवान चढ़ती 2.5 साल की मासूम गुड़िया इस कहानी का सबसे अलमनाक किरदार थी। माँ जिस्म फरोशी से इनकार करती तो इसकी कीमत इस नन्ही जान को अदा करना पड़ती, और ये दरिंदे माँ को मजबूर करने के लिए इसे पाइपों और डंडों से इतना मारते कि उसका नाजुक जिस्म इस मार को बर्दाश्त नहीं कर सका, और अब ये मासूम जिंदगी भर के लिए माजूर हो गई है। किधर मारा था बेटे को? गोदे पे। गोदे पे मारा था? हाँ। क्या चीज मारी थी? डंडे के साथ भी मारा था। डंडे के साथ भी मारा था और पाइप के साथ भी मारा था? हाँ। अब आप चल नहीं सकते? नहीं। चलना नहीं आता आपको? नहीं। लेकिन वो कहते हैं ना कि हिम्मतें मर्दा मदद खुदा। उनकी इज्जतों के मुहाफिज होते हैं, ऐसी सूरत हाल में क्या महसूस करते हैं, अल्लाह ना करे कभी किसी और को इसका एहसास हो। भाई ने बताया कि बाप की वफात के बाद माँ ने दूसरी शादी कर ली थी और घर भी रहीम यार खान के एक दूसरे इलाके में ले लिया था। उसने ये भी बताया कि उन्होंने बहन को तलाश करने के लिए पुलिस समेत हर दरवाजा खटखटाया और वो जानते थे कि उसे फहाशी के मुख्तलिफ अड्डों पर बेचा जा रहा है, लेकिन अपनी गुर्बत और बेबसी के बायस वो उसे कभी बाजियाब न करवा सके। अच्छी बात ये थी कि ये सब कुछ जानने के बावजूद उन्होंने अपनी बहन की बाजियाबी की हर मुमकिन कोशिश की थी और आज भी वो उसे अपनाने के लिए तैयार थे, सो हमने उनके घर का रुख किया। Thank you.
वैसे माँ भी कायनात की एक अजीब हस्ती है। घर में दाखिल होकर सायरा ने जैसे ही पुकारा, 22 साल की जुदाई के बावजूद माँ ने उसे पहचानने में एक लम्हा नहीं लगाया। एक लम्हा तो क्या, जो निवाला उसके मुंह में था उसने उसे हलक से नीचे उतारने का वक्त भी जाया नहीं किया। दर्द बिछोड़ हाल नी मां मैं किन्नू आखा मां को रात में बस ही बस बस चुप 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 नहीं नहीं माँ जी, तो आपकी आपकी बेटी आ गई आपके पास। बहन बना के पहले दिन से ला के खुश रखे बस आपको। लेकिन आपको पता था कि इस पे क्या गुजर रही है बेचारी पे? मैंने बहुत बर्दाश्त किया, बहुत पत्थर रखा मैंने अपने दिल को। आखिर मैंने खुदा से बोला, मैं अच्छा बड़ी ताला एक दिन तो मेरी बेटी आएगी। आज मेरी बेटी मुझे खुदा ने मिला दिया। मैं खुदा का जितना भी शुक्र अदा करूँ कम कम है। मैंने इसके आने के लिए ना पता नहीं कितने नफल मान रखे हैं, अभी अदा करूंगी।